श्रम कल्याण बोर्ड में चल रही स्टाफ की कमी तथा लाभार्थियों के लाभ जारी न करने के खिलाफ दूसरे दिन भी सीटू कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। दसड़का स्थित बोर्ड कार्यालय के बाहर बैठकर सीटू कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। इस दौरान कई कामगार इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो 2 नवंबर को शिमला में श्रमिक कल्याण बोर्ड का वे घेराव करेंगे। धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक किया गया। सीटू कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लोग श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं उनके बच्चों के शिक्षा के वजीफे 2020 से नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही जो सामान पंजीकृत मजदूरों को श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। सीटू जिला कमेटी का पिछले दौरान में मीटिंग हुआ, उसमें तय किया गया कि भाई जो कल्याण बोर्ड का फंक्शनिंग है उसका ठीक नहीं है। पिछले 2020 में जो मजदूर पंजीकृत हैं इससे पहले भी उनके वजीफे नहीं बच्चों के आए, जो सामान उनको सेंक्शन हुआ वो आज तक मिला नहीं है। कोरोना पीरियड का जो 6000 रुपया मजदूरों के खाते में आना चाहिए था वो आज किसी मजदूर को मिला नहीं है। और इस तरह से बोर्ड में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। हमें तो ऐसा भी पता चला है कि जो जेब में पैसा डालता है उसका फार्म पहले जाता है शिमला में, और बाकी लोगों के फार्मों के ढेर अभी भी मैंने अंदर पता किया 1500 के करीब फार्म अभी भी 2020 के पेंडिंग है, 2021 के अभी आना शुरू हो गए हैं। तो ये कब लोगों के फार्म जाएंगे, कब वजीफा मिलेगा, कब लाभ मिलेंगे, ये सारा बोर्ड के चेयरमैन से भी अगस्त में हम मिले थे और उन्होंने कहा था हम जल्दी कुछ करेंगे इसके बारे में। तो आज नवंबर शुरू होने वाला है, ना बोर्ड के चेयरमैन ने किया ना सेक्रेटरी ने किया, और इस तरह से बोर्ड में भी ये भ्रष्टाचार का अड्डा और राजनीति का अड्डा बन गया है। इसलिए जो है आज जो आम गरीब मजदूर है, मनरेगा वर्कर है, मिस्त्री है, कारपेंटर है, दूसरे लोग हैं, वो परेशान है, वो रिश्वत नहीं दे सकते, जेब में पैसे नहीं डाल सकते, और इसलिए जो है दलाल कई पैदा हो गए हैं और दलालों के काम हो रहे हैं, दलालों के धड़ाधड़ हो रहे हैं, वो खुद भी खा रहे हैं, खलवा भी रहे हैं। इस तरीके से जो है बोर्ड में बड़े पैमाने पर धांधली है और बोर्ड का चेयरमैन हमीरपुर का ही है। हमने कहा उनसे भी कि ऐसा हो रहा है, आप स्टाफ दो यहाँ पर। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कापियां बन चुकी हैं, बीजेपी के वर्कर लगे हुए गांव गांव के अंदर, जो नहीं भी वर्कर है उसके ही बना रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया स्टाफ दो, जो पात्र मजदूर है उनका बनाओ, आप मनरेगा मजदूर है उनका बनाओ, मिस्त्री का बनाओ, कारपेंटर का बनाओ, प्लम्बर का बनाओ, इन सब लोगों के बनाओ, परंतु जो पकौड़े तलता है, जलेबी बनाता है उसका मत बनाओ। अब ये सारा काम जो है इस तरीके से हो रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये स्टाफ यहाँ नहीं दिया इन्होंने तो उसके बाद और आंदोलन तेज होगा। आज तो पहला दिन है, कल भी हमीरपुर ब्लॉक का प्रदर्शन होगा, परसों सुजानपुर का होगा, और 30 तारीख तक हर ब्लॉक यहाँ पर सैकड़ों मजदूर यहाँ प्रदर्शन करेंगे, हर रोज 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो 2 दिसंबर को शिमला में श्रमिक कल्याण बोर्ड का घेराव होगा, 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को हजारों मजदूर जो है यहाँ हमीरपुर से जो है शिमला में जाएंगे। सरकार को जो बहरी नींद सोई हुई है, सरकार गहरी नींद, उसको जगाने के लिए यहाँ से जाएंगे। भाषण हर रोज 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो 2 दिसंबर को शिमला में श्रमिक कल्याण बोर्ड का घेराव होगा, 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को हजारों मजदूर जो है यहाँ हमीरपुर से जो है शिमला में जाएंगे। सरकार को जो बहरी नींद सोई हुई है, सरकार गहरी नींद, उसको जगाने के लिए यहाँ से जाएंगे। भाषणों से पेट नहीं भरेगा, लोगों का जो लाभ है वो मिलने चाहिए। सामान सरकार ने बंद कर दिया, पहले इंडक्शन मिलता था, वॉशिंग मशीन मिलती थी, सोलर लैम्प मिलता था, कंबलों के फार्म भरवा लिए हजारों लोगों से और कंबल दिए नहीं। तो आज जो है मोदी सरकार और ये सरकार जो है मजदूरों पर हमला कर रही है, जो लाभ उनको मिलने चाहिए थे उनको भी नहीं दे रही है। इसलिए जो है आज ये धरना 6 दिन का धरना यहाँ पर रहेगा, कल भी हमीरपुर ब्लॉक है, उसके बाद दूसरा ब्लॉक है, ये हर रोज जो है सैकड़ों मजदूर यहाँ धरने पर बैठेंगे सरकार की नीति के खिलाफ, बोर्ड की नीति के खिलाफ, और ये जो मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहे हैं उसके खिलाफ जो है सारा धरना है। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी, स्टाफ नहीं दिया, 2 लोग हैं, 60,000 यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 60,000 पूरे प्रदेश में किसी जिले में नहीं है, 60,000 रजिस्ट्रेशन होगी,
और दो लोग हैं यहाँ पर, ढेर लगा फार्मों का। इसलिए जो है हम चाहते हैं स्टाफ की नियुक्ति हो, लोगों के समय पर उनको लाभ मिले, यही मुख्य बातें हैं जो हम लोग इसके विरोध में, सरकार की जो नीति के विरोध में आज हम यहाँ धरने पर बैठे।